वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे एक फ्रेंड ने हमारे सवाल किया कि उन्होंने आज से दो साल पहले एक इन्वेस्टमेंट की थी, ग्राउंड फ्लोर का उन्होंने एक हॉल लिया था, परचेज किया था इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। वो कह रहे हैं कि मेरी इंस्टॉलमेंट खत्म हो चुकी है और वो जो ग्राउंड फ्लोर का हॉल है वो मुझे आजकल एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, 8-10 मिलियन के पास मुझे उसका प्रॉफिट आ रहा है। तो कहने का क्या मुझे इस टाइम पे उस हॉल को सेल करके कोई नई अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या फिर मुझे मजीद वेट करना चाहिए कि आने वाले टाइम में अगर मजीद रेट बेहतर होता है तो मैं फिर उसको सेल करूँ। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर जो अक्लमंद तरीन लोग हैं ना, वो आज के दौर के जो अक्लमंद तरीन, मैं कह रहा हूँ, जो आज के दौर में ऐसे असासे खरीद रहे हैं कि जो रेडी हैं या नियर टू रेडी हैं, जो रेंटेशन के ऊपर आ सकता है, जो इस वक्त उनको यानी सस्ते मिल रहे हैं और आने वाले टाइम में ये सस्ते नहीं होंगे। उसकी वजह यह कि अगर आपकी भी उम्र 20-30-50 साल है, मेरी 49 साल है, तो आपको पता है कि माजी में क्या हुआ, ठीक है ना। माजी में भी इस तरह की गहरी की नहीं सूरत आ रही और हार रही, फौजी डिक्टेटर आते रहे और उन्होंने मुल्क को तबाह किया। जो अक्लमंद तरीन लोग हैं ना, वो इस वक्त असासे खरीद रहे हैं, ठीक है। अब इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है, देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट का जो टोटल है ना एसेंस, वो ये है कि जब लोग बेच रहे हो आप खरीदें, जब लोग खरीद रहे हो आप बेचें। मैं दोबारा करता, 3 दफ़ा करता हूँ, ये बहुत बड़ी काम की बात है। जब लोग बेच रहे हो आप खरीदें, जब लोग खरीद रहे हो आप बेचें, जब लोग बेच रहे हो आप खरीदें, जब लोग खरीद रहे हो आप बेचें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि बात यह है कि हमारा ना प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानियों का, बदकिस्मती से हम प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं होते हैं। आप सुन रहे होंगे, मुझे पता है आपको, अक्सर लोग सुनते रहते हैं, हम प्रेजेंट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं, उसी वजह से हमारी सोच नहीं बदलती है, ठीक है ना। आज भी हम डिग्री और जॉब और उसके रोमांस में मुबतला हैं, और जो जॉब वाले हैं वो माइंड करते हैं कि मुझे तो कहते हैं भजन आप क्यों जॉब वालों को इतना वो करते हैं। मैं कहता हूं भाई, मैं आपको तो नहीं कह रहा, मैं तो एक हकीकत बताऊँ। अब आप जाके रिच डैड पुअर डैड वाले का गिरेबान पकड़ लें कि भाई तू मैं क्यों जॉब वालों के खिलाफ बात करता है। भाई एक चीज़ है कि आप रॉबिन शर्मा का गला पकड़ लें कि भाई तू 5 AM क्लब की क्या बकवास तूने लगाई हुई है, आराम ना सानू सोन दे। मसला ये है कि हमारा पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर ये चोर सियासतदानों को हम वोट देते हैं हर वक्त, इनकी नस्लों को दे रहे हैं कि भाई वो उसी अतार के लोंडे से दबा लेते हैं, है जी। मसला ये है कि हमारा प्रॉब्लम ये प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं हमारा। यकीन करें, हम तो सुबह शाम आपके सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आते रहते हैं जो कि हम समझते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और उन्हीं में से हम भी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ठीक है ना। जब लोग खरीद रहे हो आप बेचें, जब लोग बेच रहे हो आप खरीदें। आपके अगर प्रॉपर्टी में आप जितने मिलियन कह रहे हैं फायदा है मुझे, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। उसकी वजह कि अगर वो पैसा लिक्विडेट करके आप अपने पास रखेंगे ना, और उसके बाद आप मार्केट में जाएंगे, तो जो बेचने वाले हैं वो आपको हाथों हाथ लेंगे। जब बेचने वाला आपको हाथों हाथ लेगा तो वो आपको अच्छी डील देगा। जब आपको अच्छी डील मिलेगी, एक बेच के 4 अच्छी डील लेने का टाइम ये है, सही है ना। ये टाइम जैसे पहला टाइम नहीं अच्छा टाइम नहीं रहा तो ये भी नहीं रहना। लिहाजा जब ये पहिया वापसी की तरफ मूव करेगा तो उस वक्त आप 4 गुना अमीर हो जाएंगे, 4 गुना ज़्यादा फायदा उठा जाएंगे एक बजाय। आप कह रहे हैं ना कि इंतजार करो आने वाले टाइम में, ये ही वो टाइम है कि जिसके अंदर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप डील उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और इनसे आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो ये आप ज़रा भी देर ना लगाइए करें, क्योंकि आपको बेशुमार चीज़ें मिल जाएंगी। यार हर बंदा जो है वो बेचने के लिए है, ख़रीदार कोई नहीं है, तो यही खरीदारी का टाइम है। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।